हाय, क्या हाल है सबके। मैं हूँ रिकी शर्मा। तो अभी मैं ये कहने वाला था कि मेरा यूट्यूब पे 19,400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मेरी पेमेंट आ चुकी हैं। तो अगला स्टेप ये कि मेरे को फेसबुक भी मोनेटाइज करना है। अभी मेरे फेसबुक पे फॉलोअर हैं करीब करीब 866 या 877 ऐसे कुछ हुए, ठीक है, मतलब कि 1,000 भी नहीं है। तो फेसबुक भी मेरे को मोनेटाइज करना है, उसके बाद मैं जाऊँगा मुंबई और सेलिब्रिटीज के साथ में वीडियोज़ बनाया करूँगा, रियलिटी शोज करूँगा और फ़ोन से ही ट्रांसपोर्ट का काम होता रहेगा, चलता रहेगा। तो फिर मेरे को, मैं दुनिया में कहीं पे भी घूम सकता हूँ और पैसे की मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत यूँ नहीं आएगी, एक मेरा यूट्यूब हो गया, वो तो है मेरे पास, दूसरा फेसबुक मोनेटाइज हो जाएगा, दो, उसके बाद दो जगह से यहाँ से पैसा, फिर उसके बाद पैसा किसी की हम वीडियोज़ बना देंगे, कहीं पर गए हैं घूमने के लिए, किसी का होटल का, रेस्टोरेंट का, कहीं का कुछ भी हम वीडियो डालेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो वो वहाँ पे भी हमें पैसा मिलेगा। तो तीन इनकम सोर्स के ज़रिए हो गए। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट का काम है ही, मतलब कि छोटा है, चार ट्रांसपोर्ट का हो गया, मतलब कि चार ये ज़रिए हो गए। फिर हम ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर का ऐसा भी काम करेंगे उसके अंदर। तो मतलब कि मेरे पास रहेंगी 5 एक्टिविटी, वो भी इंटरनेट पर। तो जहाँ पर मैं जाऊँगा, दुनिया के जिस भी कोने में रहूँगा, कहीं पर भी घूमूँगा, तो मेरे साथ रहेंगी वो। भले ही किसी को मेरे पास गाड़ी ना दिखे, घर ना दिखे, मकान ना दिखे, बिल्डिंग ना दिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इंटरनेट पे मेरे पास सारी चीज़ें होंगी। मेरे पास गाड़ी भी, होटल भी, सब कुछ मेरे पास होगा, टोटली सब कुछ। आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ मिलता है। तो फाइनली ये कि इस इंटरनेट की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है अगर देखा जाए तो। मुझे तो लग रहा है कि इंटरनेट की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लाइफ है और बहुत ही खूबसूरत है और सबसे अलग है, क्योंकि हमें कुछ भी काम करना होता है, कोई काम करें, कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो अपना इंस्टा पे पेज बनाओ, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, फेसबुक पे बनाओ, जैसे भी है आप उसको अपना प्रमोट करते रहो, वहाँ पे आपको मज़ा आता रहेगा और वीडियो डालते रहो, आपका मोनेटाइज भी हो जाएगा, पैसा ही मिलेगा और आपकी दुकानदारी भी उसे चलती रहेगी। तो फाइनली इंटरनेट जो है सिर्फ आप बेनिफिट के लिए यूज करो, फ़ायदे के लिए यूज करो सोशल मीडिया को, न कि बकवास करने के लिए। बकवास में कुछ नहीं रखा, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया। तो फाइनली यही है मेरा कहना, मेरा जो स्टेप है अगला, फेसबुक मोनेटाइज होते ही मुंबई मैं आ रहा हूँ। तो मुंबई दोबारा से आऊँगा, दोबारा से नहीं, वैसे तो मैं काफ़ी रियलिटी से आता रहता हूँ, लेकिन अब की बार पैसा भी कमाना मुझे अच्छा खासा, नेम फेम पैसा सब चाहिए अब मेरे को, सब टोटली। तो फाइनली यही होगा मेरे भाई। चलो आप भी ऐसे काम करो, मजे लो, और ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास पैसे हों, बगैर पैसे काम होते हैं। टैलेंट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो अभी मेरे हाथ में जो मोबाइल में वीडियो बन रही है वो नॉर्मली 40,000 रुपये का है। पहले मैं शुरू किया था मैंने यूट्यूब, तो मेरे हाथ में है ये मोबाइल है, देखो ये इधर, ये 8,500 का फ़ोन था, टैं 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 टैं, ये देखो। और ये फ़ोन मेरे पास अभी भी है, तो ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा कैमरा, बड़ा चीज़ें होगी तो सारी चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक ज़िंदगी जीने का तरीका और सीखने का अनुभव, सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी करे, अपने को उससे मतलब नहीं है, और अच्छी खासी लाइफ भी जीता हूँ मैं, तो मज़े में रहता हूँ। तो आप भी मज़े में रहो, तो बाय, सभी के सही मज़े लो। चलो ठीक है, देखते हैं कि मेरा मुंबई में पहले रियलिटी शो मिलता है या मेरा फेसबुक मोनेटाइज होता है या जो मेरे कुछ पैसे जोड़ने हैं वो पूरे हो पाते हैं, इनमें से देखता हूँ कौन सी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो अमाउंट मेरे को चाहिए मुंबई के लिए, कम से कम 5 लाख चाहिए मुझे। 5 लाख अमाउंट का मेरे को चक्कर नहीं है, लेकिन मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो जाए सबसे पहले मेरी ये डिमांड है। रियलिटी शो भी नहीं मांगूंगा मैं, नहीं कि मेरा रियलिटी शो चाहिए, नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए। सबसे पहले मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद लगभग मेरा काम हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा और रियलिटी शो। मैं नहीं कहूँगा मेरे को 5 लाख मिले, नहीं, सबसे पहले मेरे को मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद मेरे को रियलिटी शो मिल जाए, बस ठीक है। उसे क्या हो, रियलिटी शो में जैसे मांगूंगा अब की बार, तो मेरा नाम वहाँ से और फैलेगा, तो मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और फेसबुक पे फॉलोवर, इंस्टा पे टोटली मतलब ग्रो करेगा। तो मेरे को बेसिकली, मैं चैनल पे काम करूँगा लेकिन चैनल पे मेरा वीडियो आएगा, वो मेरे YouTube पे नहीं आ पाएगा, लेकिन दुनिया मेरे को सर्च करेगी तो मेरा YouTube पे कमाई नॉर्मली मान के चलो 10 लाख रुपए होगी, 10 लाख
चलो थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, रियलिटी शो में लाइन में लगते थे, अब कुछ बंदे आ रहे हैं, उनके चैनल उठ रहे हैं। और जुबिन नौटियाल भी मेरे साथ में था भाई, ठीक है, उसका चैनल भी बहुत तगड़ा ग्रो कर रहा है, आज बहुत बड़ा स्टार है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।